नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं वही यातायात नियम का उल्लंघन जुर्माना जो था, वही उसी का थर्ड पार्ट है और ये लास्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर, इमरजेंसी वाहन इन द सेंस कि एम्बुलेंस या फायर की गाड़ी अगर जा रही है उसका रास्ता नहीं दीजिएगा, तो इस पे थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, हम भी इंसान है, थोड़ा सा डाउट है। जहां पे हम लोग सुने थे वहां 10,000 का चलान था, लेकिन हमने इसको सर्च किया तो इंटरनेट पे 1,000 का चलान बता रहा है। ठीक है, तो इसमें डाउट है। आप लोग कहीं से अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपकी आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आपको पता चले कहीं से तो प्लीज मुझे भी जानकारी दे दीजिएगा कि मुझे भी नॉलेज गेन हो, ठीक है, और मुझे भी पता चले। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है या मुझे नहीं पता है, अगर हम भी इंसान है, थोड़ा नहीं पता है या फिर पता नहीं चल पा रहा है तो इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन इंटरनेट पे मैंने चेक किया तो 1,000 रुपया बता रहा है, लेकिन हमने कुछ समय पहले यानी पिछले साल हमने सुना था कि 10,000 रुपया चलान होगा। तो हो सकता है कि कम किया गया हो, तो वो अगर मुझे जानकारी इसका मिलेगा कि कितना है कंफर्म तो मैं बता दूंगा। लेकिन इंटरनेट पे जो है, गूगल पे भी हमने चेक किया हो तो 1,000 रुपया ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें डाउट क्लियर नहीं करना है, यहाँ पर आना है। अगर 1,000 गूगल दे रहा है तो हो सकता है कि 1,000 होगा, मुझे सुनने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला बात करते हैं बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर, मतलब इंश्योरेंस, इसके बारे में तो सवाल हुआ नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको 2,000 का चलान भरना पड़ सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये खत्म होता है यातायात उल्लंघन। ये आप जो देख रहे हैं ये भाई का ही सवाल था, ठीक है, कि आप मुझे बताइएगा कि कौन सा फोन नंबर किसका है। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं इसको भी ऐड कर लिया हूँ, तो पुलिस का टोल फ्री नंबर, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, जैसे इमरजेंसी नंबर इसको हम लोग कहते हैं, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, पूरा इमरजेंसी कॉल शो करता है, तो ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल आपका हमेशा लग जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा ही बनाया गया है। तो पुलिस का टोल फ्री नंबर 100 है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फायर का जो है वो 101 है, 101 है फायर के लिए। और तीसरा एम्बुलेंस का है, तो एम्बुलेंस का नंबर है 102। ठीक है, सवाल ये भी, ये एम्बुलेंस वाला, फायर वाला और पुलिस वाला, ये इंटरव्यू में पूछा ही जा गया है और पूछा जा सकता है। तो आप लोग एकदम कंटिन्यू है, अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं PFA। ठीक है, PFA बनाइए, P से 100, यहां से 101 और यहां से 102। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तीनों, अगर शॉर्ट में ऐसे याद कीजिएगा तो आसानी होगा। एक ये जो लिखा हुआ है NEN, नेशनल इमरजेंसी नंबर, नेशनल इमरजेंसी नंबर, अगर मान लीजिए कि कुछ नेशनल लेवल पे या फिर किसी और कारण के वजह से आपको कुछ कंप्लेन करना है, तो उसके लिए 112 नंबर है। जनरली ये बहुत लोग, कम ही लोगों को पता होगा क्योंकि यूज ये सब हम लोग बहुत कम किए हैं। ठीक है, तो NEN का मतलब है नेशनल इमरजेंसी नंबर। ठीक है, तो इसका 112 है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो नियम उल्लंघन का जुर्माना था वो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा वीडियो, जो इंटरव्यू से रिलेटेड होगा और आप लोग उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी अगर पूछ दिया जाएगा तो उस समय आपको निराश फील होगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। जो लोग नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। और जो लोग जुड़ रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम ध्यान से रिलैक्स होकर, अगर आप याद करना चाहते हैं तो एकदम खुले दिमाग से याद कीजिए, बाकी कुछ नहीं है, हम भी उतना कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रिलेट करके पढ़िए, एकदम आराम से आसानी से याद होगा।
ठीक है, देखते हैं। अगर हमको बनाना होता है, हमको ये करना होता है, दिखाना होता है, तो हम अधिकतर खुद भरते हैं। तो ये मुझे याद हो गया है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। अगर 1-2 घंटा आराम से दीजिएगा इस पे तो याद हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।